हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। मैक्सिकन लीग का मैच हो रहा है पीएससी वर्सेस नेकेक्सा के बीच, 8:36 में। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, इसके बाद एक मैच है ओसाका टीम का, तो ये मैं कवर नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ रिस्कीनेस। रिस्की बहुत ज़्यादा है भाई, इससे बढ़िया आप ऑस्ट्रेलिया का ये वाला मैच 10:30 वाला खेलो। तो इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो देखिए भाई, पैचुका और नेकेक्सा टीम में पीएससी टीम बहुत तेज़ है। पीएससी टीम, मानता हूँ, कई मैचेस हारी है इस सीज़न में, मना नहीं कर रहा। मुझे ये भी पता है कि नेकेक्सा टीम भी पॉइंट टेबल में कई बार इनके बराबर आती है सीज़न में, लेकिन इस साल नेकेक्सा का प्रदर्शन बहुत गंदा है। मतलब अगर मैं पीएससी से अगर इनको टैली करूँ तो मैं प्लेयर के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि 75% विनिंग चांसेस पीएससी के हैं, 25 इनके हैं। सो मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा फेवर पीएससी को है। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन में तो माय फर्स्ट प्लेयर इज़ जिसका नाम है निल्सन। निल्सन को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि निल्सन एक टाइम पे एक मिडफील्डर हुआ करता था, और बहुत बार मैंने इस बंदे को ट्राई किया। 93% सिलेक्शन में आज देख रहा हूँ इस बंदे की, नहीं पहले भी दिए, देखो 29 सितंबर को भी है मतलब। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए स्ट्राइकिंग में इससे ज़्यादा सिलेक्शन हो सकती है अभी भी। मतलब मैं कहूँगा कि 93 इज़ ऑल्सो नॉट इनफ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाए। क्यों? क्योंकि पहले मिडफील्डर था, बहुत बंदे इसको छोड़ते थे मेरे भाई। शायद आपको देख के पता नहीं लग रहा होगा कि इसकी सिलेक्शन बहुत हाई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे पता है कितनी बार मैं इसके बलबूते पे जीता हूँ, कितनी बार। उसके बाद अगर मैं रोंडोन की बात करें तो रोंडोन इज़ अ मस्ट पिक। मैं कहता हूँ इस बंदे तो ऐसा बंदा है कि ले लो बस टीम में, क्योंकि इतनी तगड़ी फॉर्म दिखी है 2023 में। उसके बाद अगर ऑपोजिशन टीम की बात करें तो है डी कैम्बिंडो। कैम्बिंडो इनका मेन प्लेयर है, और कैम्बिंडो मेरा पर्सनली फेवरेट है। कई बार मुझे नेकेक्सा टीम धोखा देती है, लेकिन कैम्बिंडो बहुत कम देता है भाई धोखा, क्योंकि बहुत जेन्युइन है। एंड मिडफील्डिंग की बात करें तो अगला मेरा प्लेयर है पेलावेकिनो, और दूसरा है जे पैराडेला। पैराडेला एंड पेलावेकिनो दोनों मिल गए और क्या चाहिए मेरे को भाई, नेकेक्सा टीम के फेवर में आते ही ये दोनों प्लेयर मिल गए। उसके बाद ओ इद्रिसी के साथ यहाँ पर जा रहा हूँ, और इद्रिसी के बाद ना इनका एक प्लेयर है एस हर्नेंडिस। तो मेरे जो ग्रैंड लीग वाले भाई हैं वो इसे ट्राई कर सकते हैं इस प्लेयर को, क्योंकि कई बार हो सकता है कि अच्छा प्रदर्शन आने की उम्मीद है, मतलब कई बार चल जाता है। और बाकी इनका कोई खास प्लेयर तो मुझे दिखा नहीं। और अगर मैं बात करूँ तो मैं डिफेंडिंग में जाऊँगा तो मैं लूँगा सबसे पहले इनकी टीम का प्लेयर ब्रियन ओलिवन, माई फेवरेट। उसके बाद लुइस रॉड्रिग्यूस जो कि सेकेंडरी डिफेंडिंग कर रहा है, मेरी मजबूरी है भाई लेना, ठीक है। उसके बाद एस बैरेटो की बात करें तो बैरेटो मैं चाहता हूँ आज मतलब दिख जाए खेलता हुआ, क्योंकि 29 सितंबर को रेड कार्ड मिला था और 5 अक्टूबर को वैलिड था। 5 अक्टूबर के बाद रेड कार्ड हट गया, तो बैरेटो आज पक्का 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 दिखना चाहिए। उसके बाद कैबरल की अगर बात करें तो माय नेक्स्ट प्लेयर इज़ कैबरल। और गोलकीपिंग सेक्शन में ई अनसेन जो कि नेकेक्सा का बिल्कुल मेन गोलकीपर है, जब तक अनसेन को कोई इंजरी नहीं होती तब तक ये कोई और प्लेयर ट्राई नहीं करते, इतना ज़्यादा कीमती है। और बात करें यहाँ पर कप्तान की, माई कैप्टन वॉज रोंडोन एंड माई वाइस कैप्टन वॉज एन डिओसा। नहीं रखना चाहते डिओसा को तो पेलावेकिनो को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।